मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। और आज आपके साथ चंद्रप्रकाश, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पढ़ रहे हैं हम प्लस टू क्लास की। और आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि आपके सामने विजिबल है बोर्ड के ऊपर, आप देख रहे हैं। टॉपिक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Then we have to going to study about the galvanic cell, and second one is the Daniell cell. Dear students, सबसे पहले electrochemical cell क्या होता है? नाम है electrochemical. जब chemical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट ऐसा करता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, क्या बना कि ऐसा यंत्र डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल, पर्टिकुलर सेल है बेटा, जिंक कॉपर के सेल को डेनियल सेल कहा जाता है। जिंक रॉड हो, कॉपर रॉड होगा, कॉम्बिनेशन हो, इस सेल को आप क्या कहेंगे बेटा? डेनियल सेल। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विल डू द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डेनियल सेल, उसके बाद उसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उसमें एक यू शेप ट्यूब लगी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों लगाना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इस टॉपिक के ऊपर रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल रिपीटेशन है रिडॉक्स चैप्टर के अंदर, वहां पर भी मैंने आपको करवाया था। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको डेफिनेशन की तरफ। आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है, अब आप नोट डाउन करेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल इज द डेनियल सेल, इट इज ऑल्सो
नोन एज गैल्वेनिक सेल. तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो सबसे पहले आपको मैंने डेफिनेशन बताई भाई क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब हम बात करेंगे अपने डैनियल सेल की कि भाई डैनियल सेल क्या है, और सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा मैं. तो सबसे पहला सब टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल इट इज ऑल्सो नोन एज जिंक कॉपर सेल. जिंक कॉपर सेल भी बोल देते हैं इसको. दिस इज जिंक कॉपर सेल. इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम में देखें यू विल टेक टू बीकर्स जो कि कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं. टू बीकर्स और दिस बीकर वन. बीकर वन में आपने ले लेना है, क्या ले लेना है, वन मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन. बीकर सेकंड जो हमारी राइट हैंड साइड पे है इस पे भी सॉल्यूशन लेना है, क्या लेना है, वन मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसके अंदर जिंक रॉड डालनी है. दिस इज द टर्मिनल. व्हाट इज दिस, जिंक मेटल रॉड या प्लेट. और इसमें आप डालेंगे कॉपर रॉड. कॉपर रॉड या फिर प्लेट. इन टर्मिनलों को कॉपर वायर से जोड़ते हुए कैल्विनोमीटर लगाना है. फिर की लगानी है और फिर इसको आपने कनेक्ट कर देना है विद द सेकंड टर्मिनल. व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉपर वायर. दिस पार्ट इज नेगेटिव पार्ट कॉल्ड एज एनोड. दिस पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट, इट इज कॉल्ड एज. And there is one U-shaped glass tube जो कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ. This is called as the salt bridge. Salt bridge must है. अगर आपने salt bridge नहीं लगाया तो cell work नहीं करेगा. So this is the diagram for इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दिस इज द डैनियल सेल जिंक कॉपर सेल. तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है किसकी बेटा, हमारे डैनियल सेल की. तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि हाउ टू ड्रॉ द डैनियल सेल या व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन. जब ये आपको समझ आ गया तो लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको समझ आ गया, एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा जब आपको पूछेगा कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल. तो ये ड्रॉ द दिस डायग्राम्स. और जैसे कि मैं आपको बताना शायद लेक्चर में भूल गया था कि जब भी डायग्राम्स बनाएं बेटा तो पेंसिल्स से ही बनाएं. नोटबुक के अंदर हो चाहे पेपर हो, तो फाइनल पेपर के अंदर भी जो डायग्राम्स हैं बेटा तो ड्रॉ विद पेंसिल ओनली. ठीक है, डोंट यूज़ पेन. ठीक है, अगर पेन से क्या हो जाता है, कटिंग हो जाती है, नहीं भाई गलत बन जाता है. तो आप सारे जो डायग्राम्स हैं उनको आपने जितने भी मैंने ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किए हैं, तो आपने उनको पेंसिल से ड्रॉ किया. नाउ विल डिस्कस द
वर्किंग ऑफ द सेल। ये स्टूडेंट आसान लग रहा होगा और बढ़िया समझ आ रहा होगा, वर्किंग ऑफ डेंड्रियन सेल। डेंड्रियन सेल की वर्किंग कैसी है, कैसे ये वर्क करेंगे, हाउ इट वर्क्स। दो रिएक्शन लिखने हैं, एनोड, एनोड के ऊपर जिंक मेटल विल गोज इनटू द एक्वस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एट कैथोड कॉपर सल्फेट आयन में से कॉपर प्लस टू एक्वस आयन विल गेन द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू कॉपर मेटल। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रिडक्शन। और अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो आप जैसे कि देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचती है जिंक मेटल प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस गिव्स यू कॉपर मेटल प्लस जिंक प्लस टू एक्वस। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज द वर्किंग ऑफ द डेंड्रियन सेल। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया कि हाउ डेंड्रियन सेल वर्क्स। अब इसके बाद विल राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सेल फर्स्ट एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है हमारे सेल का। कैथोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। टू पॉइंट्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो है दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। द इलेक्ट्रॉन्स flows from anode to cathode. Fourth point, the conventional current flows from opposite, that is cathode to anode. This is about the main points of electrochemical cell. तो ये रहा हमारा main parts of electrochemical cell. अब हम बात करेंगे salt bridge की और salt bridge के functions के बारे में discuss करेंगे. Next topic is salt bridge. This is a salt bridge. और इसके फंक्शंस क्या हैं, इट्स फंक्शंस। सबसे पहले तो जानेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो इसका आंसर, इट इज ए यू शेप हार्ड ग्लास ट्यूब कॉमा filled with, भरा हुआ बेटा,
इज फिल्ड विथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइट कोई भी हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, सॉलिड नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड मिक्स विथ वॉटर एंड जेलेटिन और केमिकल नोन एज अगर अगर पेस्ट बनाने के लिए टू मेक द पेस्ट, या तो जेलेटिन यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे बेटा अगर। तो दिस इज व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो ये इसका आंसर है। इट इज ए यू शेप हार्ड ग्लास ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड मिक्स विद वाटर एंड जेलेटिन और अगर अगर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन। फंक्शन नंबर वन, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। दो तारें लगी होती है, एक तार से करंट जाता है, एक तार से करंट वापस आता है, तो ये कंप्लीट द सर्किट करता है। सेकंड, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स। ये मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को बढ़ने नहीं देता, उसको न्यूट्रल रखता है। दिस इज द टू फंक्शंस ऑफ आवर सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद अब हम एक और सेल पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कॉपर सिल्वर सेल। अनदर सेल वी आर स्टडिंग अबाउट अनदर सेल। अनदर सेल क्या है बेटा, कॉपर सिल्वर सेल। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, देन वी विल स्टडी अबाउट द वर्किंग। तो इसमें क्या लिया बेटा, पहला बीकर, दूसरा बीकर बेटा, और यहां पर मैंने कॉपर रॉड डिप कर दी बेटा। दिस इज द कॉपर रॉड और द प्लेट, दिस इज व्हाट सिल्वर एजी ड्रेस ऑफ सोल्यूशन, और इसमें हमने सिल्वर मेटल रॉड डाली है, सिल्वर रॉड या फिर प्लेट, और इसको गैल्वेनोमीटर से होते हुए की से होते हुए
So good. This is the negative part, anode. This is the positive part, cathode. Galvanometer. What is this? This is the key. और इसमें ड्रॉ करते हुए कई बार बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज के बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो सॉल्ट ब्रिज अगर ड्रॉ करना भूल जाओगे तो सेल डायग्राम के अंदर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये सॉल्ट ब्रिज उदाहरण है। तो दिस इज द अनदर सेल, दैट इज कॉपर सिल्वर सेल। नाउ वी डू द वर्किंग। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। एनोड पे पता ही है क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, वर्किंग ऑफ सेल। ड्रॉ कर लेना उत्तर, और उसके बाद फिर मैं एरो कर दूंगा। एनोड, एनोड इज कॉपर, कॉपर मेटल changes into copper plus to aqueous plus to and now मैंने सुरक्षा कर दिया। ये negative charge है, यहाँ से देखना है, और at cathode silver के ऊपर ध्यान रखना है, plus one charge होता है, plus aqueous है, प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू सिल्वर मेटल। और जब आप इसका रिडॉक्स बनाओगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टू। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने होंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब लिखा जाएगा तो ध्यान रखना है, तो कॉपर एक है यहाँ, कॉपर मेटल, ये सिल्वर कितनी हो गई, दो। टू Ag पॉजिटिव एक्वस gives you two silver metal plus copper plus two aqueous. So this is what the redox reaction. So ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, उसमें नीचे सेक्शन में था, उसमें पूछा था टेफ्लॉन के दो यूजर्स बताने हैं। तो उसके साथ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कमेंट्स में शायद नहीं आए, शायद आप पढ़ नहीं पाए, आप हेडिंग सिर्फ वीडियो देखी आपने, उसका जो मेन सब आर्टिकल्स था वहाँ पर आप देख लेते आपको पता लग जाता। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसका यूज पूछे थे कल मैंने। टेफ्लॉन का प्रयोग कार के अंदर कोटिंग के लिए की जाती है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरिजन। कोरिजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड, इन नॉन स्टिक कुकवेयर्स, नॉनस्टिक कुकवेयर्स के अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग यूज करते हैं ऊपर वाली साइड के ऊपर, और इट कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर, और ऑयल कम लगता है। दिस इज द टू यूजेस ऑफ योर टेफ्लॉन पॉलीमर। ये इस चैप्टर में क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मैंने आपसे पूछा था। आज का जो क्वेश्चन है, टूडेज क्वेश्चन, ये आपने नोट कर लिया होगा। टूडेज क्वेश्चन क्या है, टूडेज क्वेश्चन के अंदर आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना है आपने, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। टूडेज क्वेश्चन, आज का क्या क्वेश्चन है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, नोट डाउन करेंगे आप, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी for calcium chloride CaCl2 and MgSO4 from the
फॉलोइंग डाटा। मोलर कंसन यूनिट्स में है साइमन स्क्वायर, साइमन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैल्शियम आयंस का दिया हुआ है 119.0, ये सारी यूनिट्स बाहर लिख दी है, सभी के साथ लिखने लिख दी है। Mg है प्लस टू 106.0। क्लोरीन दिया हुआ है 76.3 एंड सल्फेट आयन इज 160.0। दिस इज द टुडेज क्वेश्चन, आपने इसको सॉल्व करना है और सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जाके इसका बता देना है ये क्या वैल्यू आई है, इसका बता देना, सिर्फ वैल्यू बतानी है, आपने कैलकुलेट करके तो दिखाना नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा आंसर चेक करके कि किन किन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो भी उसमें नाम आ जाएगा मेरे पास, जब कमेंट बॉक्स में आप करोगे तो मुझे पता लग जाएगा किन बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया। तो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन, और आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई